सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम एंड आप सभी लोग देख रहे हो रिप्लेस गेमर। आज किस वाली वीडियो में यहाँ पर फ्री फायर खेलने जा रहे हैं एंड यहाँ पर हम फ्री फायर में एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं गोल्ड से टू ग्रैंड मास्टर एंड यहाँ पर ये सीरीज का हमारा पहला एपिसोड होने वाला है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो से सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो बिना देरी का हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम अपने यहाँ पर मैच स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर अपना होनर स्कोर चेक कर लेते हैं और उससे आप सभी लोगों को पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर कितना प्लस करते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2903 होनर स्कोर है। चलो होनर स्कोर नहीं, रैंक, हाँ रैंक हमारी 3000 कितनी थी, 2903 था। अब चलो सबसे पहले हम अपनी स्किल भी दिखा दें आप सभी लोगों को। देख सकते हैं हम एबिलिटी भी यूज़ करके यहाँ पर खेलते हैं। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पहला मैच स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर भाई टाइम बहुत ज़्यादा लेता है गेम स्टार्ट होने में। एंड ओके, फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है। चलो सबसे पहले हम लोबी में आ चुके हैं। एंड यहाँ पर भाई पता नहीं क्या हो रहा है, मोबाइल थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, पता नहीं गाइस पर, बट गर्मी आने वाली है तो उस वजह से हो रहा है या फिर मैंने अपने फ़ोन में फोल्डर चेंज करवाया है तो उस वजह से हो रहा है, वो मुझे इतना नहीं पता। बट सामने की तरफ एक बंदा इमोट दिखा रहा है एंड ये गायब हो गया। रुको, अच्छा उस तरफ गया था वो, चल गेम मुझे लगा कि वो गायब हो गया। एंड यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर एक चीज़ का जो ध्यान रखना है, आप सभी लोगों को यहाँ पर अच्छी करेक्टर स्किल लेकर ही खेलना है, तभी यहाँ पर आप सभी लोग की रैंक अच्छे से पुट होगी। एंड यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो गाइस यहाँ पर ओनली 9 सेकंड बची है। चलो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड यहाँ पर ये हाई का इमोट दिखा रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, हम सीधा मैच के अंदर चलते हैं। एंड ओके, फाइनली गाइस यहाँ पर हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है। एंड एक सेकंड रुको, यहाँ पर मैप भी लग चुका है एंड यहाँ पर हम लैंडिंग कहाँ पर करने वाले हैं। आप सभी लोग की जो सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह है वो है पीक, एंड हम यहाँ पर पीक ही जाने वाले हैं। तो हम सीधा सबसे पहले पीक पे ब्लू जोन बना है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, पीक पे बन गया ब्लू जोन। एंड चलो सबसे पहले हम सीधा पीक पे लैंडिंग करते हैं। एंड एक सेकंड को ओके, फाइनली यहाँ पर हमने जंप कर चुके हैं एंड सीधा अब सीधा चलते हैं पीक की तरफ। एंड सीधा हम यहाँ पर लैंडिंग पीक पे करने वाले हैं। एंड यहाँ पर पीक पे देख सकते हो गाइस कितने ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, भाई बहुत ही बुरी तरह धोने वाले हैं बंदे मुझे। तो यहाँ पर मुझे अच्छे से खेलना पड़ेगा, नहीं तो बंदे कभी भी धो के जा सकते हैं मुझे। एंड एक सेकंड रुको, यहाँ पर लैंडिंग में कोई अच्छी सी गन मिल जाए। एंड रुको एक सेकंड, यहाँ पर हमें लैंडिंग में एक अच्छी वाली गन मिल गई एंड सामने की तरफ एक बंदा था एंड इसे यहाँ पर हमने अच्छा खासा, रुको यहाँ पर इसे हमने अच्छा खासा डैमेज दिया एंड यहाँ पर फिनिश कर दिया। एंड यहाँ पर इसी बंदे के पास से मुझे एक यहाँ पर M10 18 87 की जो कॉपी होती है वो मिल गई, 6 6 2 नाली बोलता हूँ मैं इसे। एंड रुको एक सेकंड, इस बंदे को मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा डैमेज दिया एंड इसे मार दिया और मैं भी मर गया। और गाइस कितना अच्छा वो है, अगर मैं दिमित्री ऑन कर लेता। चलो फाइनली मैं यहाँ पर वापस से रिवाइव हो चुका हूँ एंड यहाँ पर मुझे ब्लू जोन गन मिल चुका है। तो यहाँ पर हम सीधा उतरने वाले हैं फैक्ट्री के ऊपर एंड देख सकते कितने ज़्यादा ड्रॉप आ रहे हैं। अच्छा वो होता है ना, उस वजह से आते हैं इतने ड्रॉप, मुझे अभी इतना ज़्यादा नहीं पता। बट मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट से सीधा फ्री फायर पर शिफ्ट करने की, तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा कि क्या क्या होता है फ्री फायर में। एंड सामने की तरफ एक बंदा है एंड ये गोल गोल चक्कर घूम रहा था एंड इसे मैंने यहाँ पर आके सरप्राइज कर दिया एंड यहाँ पर इसे भी मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। अब जो दूसरे वाली टंकी पर चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं बंदे हैं या फिर नहीं। एंड यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे की तरफ जंप करते हैं, रुको एक नीचे की तरफ बंदा है एंड इसे भी मैंने यहाँ पर बोरी बोरी भर के फिनिश कर दिया। एंड एक सेकंड रुको, सामने की तरफ एक बंदा है तो उसे भी यहाँ पर सबसे पहले किल करते हैं। एंड एक सेकंड, अरे कितना, अरे इसने कवर में कैसे मारा मुझे पता नहीं, बट यहाँ पर गंदे वाले माइनस लगने वाले हैं इस मैच के बाद। एंड यहाँ पर देखते हैं हमें कितने की माइनस मिली है। एंड यहाँ पर गाइस 14 की माइनस, देख सकते हो गाइस कितने गंदे वाली माइनस मिली है। चलो सीधा यहाँ से हम नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कितने टाइमर में यहाँ पर ये मैच स्टार्ट होगा। एंड फाइनल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर अभी बंदे देखते हैं कोई अच्छा सा बंदा आया है। एंड यहाँ पर मैंने रिसोर्सेस पैक डाउनलोड नहीं कर रखा, तब भी मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, पता नहीं किस लिए, बट मेरे पास 16128 डिवाइस वाला मोबाइल है तब भी हैंग हो रहा है। एंड एक सेकंड को यहाँ पर एक बंदा एलिमिनेट हो गया, उससे हमें क्या लेना देना। एंड यहाँ पर ओनली कितनी सेकंड बच रही है, 19 18 17 16। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आप चैनल को जो उससे सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड एक सेकंड रुको, यहाँ पर इमोट कैसे मारते हैं, रुको और चल के देखो। अच्छा इमोट मार के चल नहीं सकते हम, एक बंदा यहाँ पर इमोट मारते जा रहा था वो प्लेट और कटोरी हाथ में लेके। एंड यहाँ पर फाइनली हम प्लेन में आ चुके हैं एंड यहाँ पर हमारा मैप भी बरमूडा लगा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
एंड यहाँ पर हम लैंडिंग कहाँ पर करें गाइस? चलो हम सीधा चलते हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या करेंगे हम? चलते हैं यहाँ पर पीक। एक सेकंड रुको, सीधा हम यहाँ पर पीक चलते हैं। पीक पे अच्छे खासे बंदे आते हैं, यहाँ पर हमारे पीक पे अच्छे खासे किल हो जाएंगे। एंड एक सेकंड रुको, ओके फाइनली गाइस यहाँ पर हमने यहाँ पर जंप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब सीधा हम यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। एंड एक सेकंड रुको, अब सबसे पहले हम सीधा नीचे की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ पर एक बंदा नहीं, एक नहीं, बंदे तो अच्छे खासे आ रहे हैं यहाँ पर, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। एंड अब सीधा हम सीधा नीचे की तरफ उतरते हैं। एंड नीचे मुझे उतरते के साथ एक गन दिख रही है, तो उसे हम यहाँ से उठा लेंगे। एंड यहाँ पर सबसे पहले एक गन होगा, ओके यहाँ पर मुझे उतरते के साथ फार्मस गन मिल चुकी है। एंड यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा था, उसे मैंने डैमेज दिया, बट उसे अब फिनिश करूँगा, उसे अच्छा खासा डैमेज दिया था मैंने। एंड यहाँ पर रुको, ओके ये बंदा इस तरफ भाग गया, बहुत ही कम हेल्थ हो गया बंदा। एंड उसी दौरान रुको एक सेकेंड, पीछे से भी एक बंदा आ रहा है, तो इसे ना छोड़ के हम पीछे वाले बंदे को मारे। एंड यहाँ पर ओके फाइनली से मैंने यहाँ पर डैमेज दिया, बट इसने मुझे यहाँ पर फिनिश कर दिया। भाई गुस्सा तो आ रहा है, बट मैं क्या करूँ। एंड फाइनली यहाँ पर हम वापस से रिवाइव हो गए। एंड अब यहाँ पर हम फैक्ट्री तो नहीं जाने वाले, क्योंकि पिछली बार मर गए थे। एंड यहाँ पर गंदे वाली माइनस लगी थी, तो यहाँ पर हम फैक्ट्री के पास ही तीन घर हैं, तो हम यहीं पर जाने वाले हैं। एंड सबसे पहले एक सेकंड रुको, ओके फाइनली यहाँ पर हमारा पैराशूट भी ओपन हो चुका है। आप चलो सीधा नीचे की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ पर एक सेकंड रुको, यहाँ पर सीधा हम गोल्ड के पास उतरते हैं। एंड यहाँ पर उतरते ही मुझे 200 गोल्ड मिल गया। एंड मेरे पास में एक बंदा उतरा है। एंड फाइट भी शुरू हो गई इन दोनों की। चलो यहाँ पर हम जाके थर्ड पार्टी कर लेते हैं। एंड एक सेकंड रुको, एंड ये बंदा ओके अरे यार थर्ड पार्टी करनी भारी हो गई गाइस। कभी भी आप सभी लोग को ये गलती नहीं करनी है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैच में वापिस से लोग ये भाई गंदे वाली माइनस लग गया मजाक से हटके। एंड देखते हैं यहाँ पर अभी भी 36 सेकंड है। एंड यार पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, हर बार मैं डायमंड 3 से सीधा ग्रांड मास्टर की जगह यहाँ पर ना पहुँच जाऊँ गोल्ड मास्टर। पता नहीं गाइस क्या कर रहा हूँ मैं तो हीरोइक भी नहीं जा पाऊँगा इसी हिसाब से। तो एंड रुको सामने की तरफ बंदे हैं, तो इन्हें यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज देते हैं। एंड यहाँ से थोड़ी मर जाते हैं, मैं हैकर थोड़ी जो यहाँ से मार दूंगा। एंड एक सेकंड रुको, एंड पता नहीं फ्री फायर इंडिया कब आएगा। एंड फाइनली गाइस यहाँ पर 5 4 3 2 1 एंड फाइनली गाइस यहाँ पर हम प्लेन में आ चुके हैं। एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट मैप लग चुका है, ये तो अच्छी बात हो गई। नेक्स्ट मैप भी एक अच्छा मैप है, तो हमें यहाँ पर कोई डरने की बात नहीं है। एंड एक सेकंड रुको, ओके गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर हम सीधा जंप करते हैं। एंड सीधा चलते हैं हम सामने की तरफ। एंड यहाँ पर कहीं अच्छी सी लोकेशन पे उतरने वाले हैं, नहीं तो बंदे बहुत ही ज़्यादा गंदा धोने वाले हैं हमें। एंड यहाँ पर कहाँ पर उतरे? चलो बॉक्सिंग जिम चलते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैं कभी जिम गया नहीं, तो गेम ही चले जाते हैं। एंड एक सेकंड रुको, ओके गाइस चलो सबसे पहले हम चलते हैं सीधा। फाइनली यहाँ पर पैराशूट ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पर बंदे देखते हैं कितने आए हैं। एंड यहाँ पर ओनली 3 बंदे आए हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधा सामने की तरफ। एंड अच्छी खासी गन लूट कर लेते हैं, नहीं गन लूट लेते हैं अच्छी खासी, उसके बाद ही देखेंगे। एंड यहाँ पर मुझे उतरते के साथ अच्छे वाली गन मिल गई। एंड यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा जा रहा है, इसे मैंने यहाँ पर डैमेज दिया। रुक कहाँ जाएगा? एंड रुको स्कोप ओपन करके, और भाई ये तो राइस्टार निकला, मूवमेंट स्पीड कितनी खतरनाक वाली दिखा रहा था। एंड सामने की तरफ मैंने डैमेज दिया बंदे को, उसने ग्लोवर लगा दी, बट यहाँ पर मेरी गोली खत्म हो गई। एंड सामने एक बंदा है, तो अब मैं क्या करूँ? चलो भाग लेते हैं यहाँ से, भागने में भलाई है, नहीं तो वापस से माइनस लगेगी हमारी। और फिर यार बहुत ही ज़्यादा बार लग गया गाइस मेरी माइनस, तो यहाँ पर पता नहीं मैं हीरोइक भी पहुँच कर पाऊँगा। एंड यहाँ पर फाइनली मैंने जंप मारा। एंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी अच्छी खासी लूट पड़ी है। एंड यहाँ पर भी, तो यार गोली तो मिल ही नहीं रही यहाँ पर, SMG ammo तो मिल ही नहीं रही गाइस। एंड चलो सबसे पहले हम एक सेकंड रुको, ओके इस वाले घर के अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर मिल जाए SMG ammo, इस वाले घर में भी नहीं है। बंदा आके धोके भाग जाएगा, मैं ओनली इससे क्या कर पाऊंगा, वो तो धोके भाग जाएगा मुझे। एंड इस वाले घर में मुझे एक कट्टा मिल चुका है, चलो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड यहाँ पर भी मुझे गोली मिल चुकी है। चलो सबसे पहले हम सीधा चलते हैं ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पर ओके गाइस, एंड इस वाले हाउस में चलते हैं। तो इस वाले हाउस में पैराफल पड़ी है, पैराफल फायर वैसे भी मेरे पास है। पैराफल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चलती है गाइस, कभी आप गेम में जरूर यूज़ करना। मैं तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, आप तो यूज़ ही करते होगे। एंड चलो सबसे पहले पीछे से मुझे डैमेज पड़ा, ओ भाई मैं बच गया गाइस, मैप होने को कुछ तो फ़ायदा हुआ, नहीं तो बंदा आके धोखे भाग जाता मुझे। एंड यहाँ पर एक सेकंड रुको, ओके एक सेकंड, इसे मैंने यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज दिया, बट ये घर के अंदर चला गया। एंड यहाँ पर सामने की तरफ सबसे पहले एक ग्लोवल प्लेस करते हैं। एंड अब देखते हैं ये बंदा निकलता है या फिर नहीं गाइज।
एंड एक सेकेंड गाइज रुको, एंड ये बंदा ऊपर की तरफ आया, रुको। ओके एंड निकल भाई, क्या क्या करके मानेगा तू। एंड ये अगर एक बार भी निकला तो इसकी मैं हेड मार दूंगा। एंड सामने की तरफ एक बंदा था, एंड इसे मैंने यहाँ पर डैमेज दिया, बट वो काउंटर मैच लगाया। ग्लूहोल यार, ग्लूहोल क्यों प्लेस करते हैं, वैसे ही मरना था तुझे। एंड इस बंदे को मैंने हेड मार के फाइनली यहाँ पर फिनिश कर दिया है। एंड जो सामने वाला बंदा था उसके पास चलते हैं सबसे पहले, एक सेकंड को इसी के पास चलते हैं, उसके बाद चलेगा उसके पास। एंड एक सेकंड गाइस, ओके सबसे पहले हम इसी के पास चलते हैं। एंड इसके पास अच्छी खासी लूट मिल गई, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड ओ लैंड माइन लगा रहा, क्यों तू, कितना बंदे वाला डैमेज पड़ा था इस लैंड माइन से, क्या ही बंदा था ये। अभी मैं यहीं पर मर जाता, अभी गेम यहीं पर फिनिश हो जाता। एंड चलो सबसे पहले गाइस हम चलते हैं ऊपर की तरफ। एंड सामने की तरफ एक बंदा है, डैमेज देने की कोशिश की मैंने उसे, बट डैमेज लगा ही नहीं उसे। एंड एक सेकंड रुको, ओके एंड ओके एंड इसे भी डैमेज दिया एंड उसे भी दिया, बट यहाँ पर ये कौन सी मिल गया मुझे, मुझे M60 बोलते हैं ना इसे, हाँ M60 नहीं चाहिए। एंड एक सेकंड रुको, जो सामने वाला बंदा है उसे यहाँ पर मारने की कोशिश करते हैं। चलो गाइस सीधा हम उसी के पास चलते हैं, क्या मारे, हम सीधा उसी के पास चलते हैं सबसे पहले। एंड एक सेकंड रुको, ओके फाइनली चलो सबसे पहले हम सीधा उसी के पास चलते हैं गाइस। एंड गाइस ये मैं मर ना जाऊँ फिर कभी पता लगे, यहाँ पर गंदे वाली माइनस लग रही है हर मैच में, एंड यहाँ पर प्लस तो लग ही नहीं रही। एंड चलो सबसे पहले हम सीधा यहाँ से चलते हैं इस तरफ। एंड एक सेकंड को, ओके गाइस एंड गाइस इस तरफ से तो वो बंदा आ नहीं रहा है, बट फुल स्टेप के साउंड आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, उसकी पैरों की आवाज़ आ रही है। एंड सामने की तरफ फायर भी हो रहा है, तो वहाँ पर जाने में मुझे फ़ायदा नहीं है। एंड एक सेकंड को, ओके सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर की तरफ। एंड एक सेकंड, ओके गाइस ओके इसने इस बंदे को मार दिया। एंड यहाँ पर हम जाके इसे चुपचाप मार देंगे, इसे पता नहीं लगने देंगे। एंड रुको रुको इसे पता लग गई, एंड इसे बेचारे को मैंने यहाँ पर आके फिनिश कर दिया। एंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी लूट मिल गई इसमें। एंड यहाँ पर इसे ग्लूहोल को सबसे पहले हम यहाँ पर तोड़ते हैं। एंड एक सेकेंड को, इस ग्लूहोल को सबसे पहले हम यहाँ पर तोड़ते हैं। एंड ओके फाइनली मैंने यहाँ पर ग्लूहोल तो तोड़ दिया। एंड सामने की तरफ मुझे ड्रोन में एक बंदा दिख रहा है। एंड रुको ये तो दिखा ही नहीं ड्रोन में, ये तो नाइंसाफी है। एंड एक सेकंड रुको, ओके 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 इसे मैंने डाउन कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने अपना करेक्टर यूज़ कर लिया, ओ भाई जल्दी रिवाइव हो गया, और इसने स्वॉन्क इस टाइम पे यूज़ किया था। एंड ओके 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 फाइनली गाइस, बट ये मारा कहाँ से मुझे, अब अच्छा ये वाला बंदा आ गया, अब यार गुस्सा आ रहा है। चलो इस मैच में मुझे यहाँ पर 19 का प्लस मिला है। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।